बोलने के मामले में हमेशा से विवादों में रहने वाले कालाडूंगी बंसीधर भगत एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर विवादित बोल गए हैं। बंसीधर भगत के इस विवादित बोलने के बाद वहां भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का हो गईं। यहां तक कि भगवान शिव और भगवान विष्णु को लेकर भी वो गंभीर बोल गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान कालाडूंगी विधायक बंसीधर भगत आज हल्द्वानी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहाँ कैबिनेट मंत्री कार्य मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं और बालिकाएं पहुंची हुई थी। इस दौरान बंसीधर भगत मंच पर माइक को संभालते हुए बेबाक बोलने लगे। इस दौरान बंसीधर भगत की जुबान फिसल गई और उन्होंने कहा कि बालिकाओं का हमेशा सम्मान होता है, लेकिन बालकों को भी सम्मान मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने विवादित बोलते हुए कहा कि जब विद्या मांगने की बारी आती है तो सरस्वती को पटाओ, शक्ति मांगनी हो तो दुर्गा को पटाओ, धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ, फिर क्या। वहां बैठी भारी संख्या में महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गई तो वहीं कुछ लोगों को जमकर हंसी आ गई। आज बालिकाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हम बना रहे हैं। वैसे तो एक बात मैं बताऊं, अभी डॉक्टर साहब जी ने बहुत विस्तार से कहा और उन्होंने ये भी कहा बाद में कि लड़कों के लिए बाद में बताएंगे। अब लड़कों के लिए तो रोजी साहब ने बाद में बताया, देवता ने तक वर्णित किया, भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो तो को। यही नहीं, बंसीधर भगत की जुबान यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि एक पुरुष भगवान शिव है जो हिमालय पर जाकर पहाड़ पर ठंड में पड़े हुए हैं। ऊपर से उनके सर पर सांप बैठा हुआ है, ऊपर से पानी पड़ रहा है, यहाँ तक कि भगवान विष्णु समुद्र की गहराई में छुपे हुए हैं, आपस में विचारों की बात भी नहीं होती। बंसीधर भगत के इस बयान के बाद वहां बैठी महिलाएं और बालिकाएं तरह तरह के चर्चे करने लगी, जिसके बाद बंसीधर भगत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण की उपलब्धियों का बखान करने लगे। गौरतलब है कि बंसीधर भगत हमेशा से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। पूर्व में भी कई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जिससे उनकी और पार्टी की किरकिरी हुई है। ऐसे में बंसीधर भगत का फिर से एक बार विवादित बयान सुर्खियों में है।